हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 12 में आपको फैक्टराइजेशन का फार्मूला बताया हुआ था, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, एंड डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताया हुआ था, ठीक है। और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन होता है, या आपके एनसीईआरटी से भी हो सकता है, एनसीबीएसई से भी, आरडी शर्मा से हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से फुल पैकेज है ये, ठीक। अभी जितने क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट है वो मैं सॉल्व कराता जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे पूरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में, जब आप लोगों का एग्ज़ाम क्लोज होगा, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा एक्स्ट्रा, जो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग केवल लेक्चर भी केवल देख रहे हो तो मोर देन एनफ है, ठीक है। आप डेली बने रहिए साथ में, कॉमेंट करके अपडेट करते रहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। और रेगुलर कोशिश करूंगा मैं कि डेली एक एक वीडियो आप लोगों के लिए आता रहे, क्लास टेंथ वालों के लिए। बाकी का प्लान जो है वो क्लास 11, 12th एंड जो IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी रहेगा, ठीक है। इन फ्यूचर जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलता रहेगा मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। एंड अभी जो शेड्यूल में है वो क्लास टेंथ का तो डेली रहेगा, ठीक है। एंड क्लास नाइन्थ वालों के लिए भी ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैथ्स एंड फिजिक्स आप लोगों के लिए पूरा प्लान कर रखा हूँ मैं। धीरे धीरे आप लोग साथ में जुड़िए, लोगों को शेयर करिए, आप भी अपना यहाँ पे कमेंट में बताते रहिए कि आप अवेलेबल हो, इंटरेस्टिंग है लेक्चर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहेगा मुझे, और लगा रहूँगा साथ में आपके, तो रिजल्ट भी नो डाउट अच्छा आएगा। यहाँ का वेदर थोड़ा गड़बड़ है तो बीच में हो सकता है नॉइज़ है आपके आपको शायद, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, मैनेज कर लीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि लेक्चर ना लेना इससे बढ़िया है कि कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एक्स। मीन्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है वही आपका श्रीधराचार्य फार्मूला है। वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट कर लिया है ए बी सी को, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, सीधे इसी फार्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस b के प्लेस पे कितना वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे b के प्लेस पे है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे क्या है, ab है, एंड बी के प्लेस पे वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, एंड सी के प्लेस पे वैल्यू क्या है, माइनस बी सी है। तो सिंपल यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी के प्लेस पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी के प्लेस पे वही सेम वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर माइनस फोर, ए के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे ए बी है, इनटू सी के प्लेस पे वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस बी सी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू ए, ए के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए बी, ठीक है। मैंने डिक्टेट कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, ये ए के प्लेस पे वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है यहाँ पे, एंड ये सी का वैल्यू है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बस यही सीधे यहाँ पे अप्लाई करना है, क्लियर है, जो कि हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम ओपन करें इसको,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे क्या होता है, पहले तो आप ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ए के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है एंड बी के प्लेस पे ए सी है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वैल्यू आपका हो जाएगा बी पावर फोर, बी पावर फोर माइनस, माइनस नहीं प्लस में होगा, और ए सी होल स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, सीधे यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, क्लियर है। एंड यहाँ पे देखते हैं ये माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस है, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फोर ए बी, बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर एंड यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू ए बी, डिवाइडेड बाई टू ए बी, क्लियर है इतना भी। अब यहाँ देखिए आगे क्या करना पड़ेगा, सीधे देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस, ये पूरा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं यहाँ पे माइनस टू बी स्क्वायर ए सी है और यहाँ पे प्लस फोर बी स्क्वायर ए सी है। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स फोर से टू माइनस हो जाएगा, सेम टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा बी पावर फोर प्लस ए सी होल स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए बी। बात समझ में आ रहा है, यहाँ ये जो फोर ए बी स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फोर बी स्क्वायर ए सी, वही सेम यहाँ पे है माइनस टू बी स्क्वायर ए सी और यहाँ पे प्लस फोर बी स्क्वायर ए सी, तो यहाँ पे अगर आप टू बी स्क्वायर ए सी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा टू, फोर माइनस टू कितना होगा टू बी स्क्वायर ए सी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पूरा टर्म जो होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, जिनमें ए के प्लेस पे क्या है बी स्क्वायर है और बी के प्लेस पे क्या है ए सी है, तो हम लोग सीधे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बी। ठीक है, आगे क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, ये सीधे हमने सॉल्व किया माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म में, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ भी माइनस ए सी है और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस माइनस, ये पूरा टर्म आप ब्रैकेट में लिखिए, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, पूरा होल स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई टू ए बी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, अगर हम प्लस का साइन लेते हैं यहाँ पे तो फिर क्या होगा, तो सिंपल है, प्लस का साइन अगर लेंगे यहाँ पे तो ये दोनों टर्म प्लस में हो जाना है, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू ए बी। ठीक है, ये देख रहे हैं माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, कैंसिल होगा, सो टू ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा टू ए सी डिवाइडेड बाई टू ए बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रिमेनिंग कितना आएगा सी बाई बी, तो यहाँ पे x का एक वैल्यू आ गया c बाई बी। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिव, ये तो हमने पॉजिटिव साइन लिया था, ठीक है, जिससे ये सॉल्व हुआ, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, पहले तो जो टर्म है ये वाला पूरा लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और माइनस का साइन लेंगे तो देख रहे हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म प्लस में है और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म माइनस में हो जाएगा, सो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, प्लस में ए सी है, यहाँ पे माइनस ए सी है, प्लस माइनस जीरो हो जाना है,
सो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बी, ठीक है, टू से टू कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा, बी अपॉन ए माइनस में एक्स इज इक्वल टू। तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या आया, सी अपॉन बी, दूसरा क्या आया, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अब आपकी मर्जी है, टेक्नोलॉजी आपके पास में है, उसका यूज करिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अगर क्वेश्चन ट्राई करें तो क्या होगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सेलेक्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर से ही है, ठीक है, CBSE 2014 में पूछा जा चुका है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ भी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये 2014 का क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सो 16 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस वन। ये यहाँ पे कंडीशन क्यों गिवन है, ये समझ लीजिए, एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब अगर एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा, ये 16 बाई एक्स, क्योंकि कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो सिंपल है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। एंड सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगर माइनस वन वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म भी यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। तो हम लोग ये दोनों कंडीशन यहाँ पे उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू ना ही ज़ीरो होने पाए ना ही माइनस वन होने पाए, तो ठीक है। इसके अलावा बचा क्या, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों टर्म में एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, x हो जाएगा, और ये x यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू यहाँ पे 15 अपॉन एक्स प्लस वन हो गया। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स एक्स प्लस वन ये मल्टीप्लाई होगा एंड इज इक्वल टू 15x, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इनको, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 16x हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में है तो प्लस 16 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस x है ये प्लस x है तो माइनस x इंटू प्लस x कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस x है यहाँ पे प्लस 1 है सो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 15x, क्लियर है। अब यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, आप माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे सबसे पहले लिखिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे हैं ये 16x है, ये माइनस एक्स है, 16x माइनस एक्स कितना होगा, प्लस में 15x होगा, ठीक है, तो प्लस में 15x लिख लिया हमने यहाँ पे, और ये माइनस में 15x है, ये प्लस में 15x है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 15x एंड यहाँ पे प्लस में 16 बचा हुआ है, सो लिखा इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अब ये प्लस 15x माइनस 15x ज़ीरो हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे माइनस है तो ये इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, एंड x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 4, ठीक है, ये रहा आंसर आपका, बात समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन सोचिए 2014 में पूछा जा चुका है CBSE में, तो क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, बट जो उनका इनिशियल इस तरीके से स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा सा भौकाली लग सकता है, ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोग इसको अप्रोच करिए, जो भी मेथड्स सिखाया जा रहा है आप लोग सीधे इसी मेथड्स को अप्लाई करिए, क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट को लेके, ठीक है, तो आप लोगों को और क्वेश्चंस की ज़रूरत होगा कि प्रैक्टिस चाहिए हमें सर, आप और क्वेश्चन सॉल्व करवाइए तो बता दीजिएगा, ठीक है।
फिलहाल मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का 1.5 आवर या 1 आवर का लेक्चर अपलोड कर दूंगा इसमें, जिनमें केवल क्वेश्चन होंगे जो पूरा पढ़ाया हुआ हूँ उन्हीं में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होंगे, या आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहे हैं या उससे कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी बुक का आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, ठीक है, या एनसीईआरटी हो, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता हो या समझ में नहीं आ रहा हो, वो आप लोग सीधे कमेंट में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा एंड पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि किस पेज का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है? तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, ठीक है, समझा दूँगा उसको। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। सपोज क्वेश्चन गिवन है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी बताया नहीं हूँ आपको, ये रूट्स फाइंड आउट करने का, ठीक है, तो रूट्स वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। समझ में आ रहे हैं? अभी केवल डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड के बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड यहाँ पे बोला हुआ है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उनमें से फॉलोइंग में से कोई ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, वैल्यू 1 है, सो ए इज इक्वल टू 1, एंड बी के प्लेस पे क्या है, वैल्यू माइनस 2, सो बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, स्मॉल में ही रिप्रेजेंट किए हुए हैं, स्मॉल में लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, सो बी के प्लेस पे क्या है, माइनस 2 है, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, कितना होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाना है, एंड 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 4 माइनस 4 के। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, कंडीशन है कि रूट्स अगर आपको बताना हो कि रूट्स किस टाइप का रूट्स है, रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, तो वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होगा, तो रूट्स आर रियल, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे एक वैल्यू 2 आया तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ऐसे इस तरीके से, तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे वो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे अगर 0 हो गया, मीन्स डी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो रूट्स जो होगा वो तो रियल ही होगा, बट वैल्यू जो होगा इसका वो इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, मतलब एक वैल्यू 2 आ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रियल एंड इक्वल। एंड यहाँ पे थर्ड केस है, डी इज लेस देन 0, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, रूट्स आर एन इमेजिनरी, रूट्स आर एन इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी का कंसेप्ट आप लोग क्लास 10th में नहीं बल्कि क्लास 11th में पढ़ोगे, तो ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस में सिर्फ यही पूछता है कि रियल है या रूट्स है, या इक्वल के केस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, वो बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो स्लोली मेरे साथ चलिए और कंसिस्टेंटली लगे रहिए। ठीक है, ये रहा कंडीशन यहाँ पे। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में, मीन्स जो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, या रूट्स क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सारा कुछ डिटेल में। ठीक है, तो इसी तरीके साथ में बने रहिए और अपने मम्मी पापा का ध्यान देते रहिए। ठीक है, माँ बाप का ख्याल रखिए।
और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है, मेहनत खूब करिए, बहुत ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तो फिर सारी चीज़ें सही रहेंगी, वो भी खुश रहेंगे, और ये जो जिस पर्पज़ से हम लोग ये स्टार्ट किए हुए हैं पढ़ाना, ठीक है, वो भी पूरा होगा। मीन्स कि एक तरह से आप लोग ही भविष्य हो देश के, ठीक है। अगर ये पूरी नस्ल ख़राब होगी तो समझ रहे हैं पूरा देश का फ्यूचर डामाडोल हो सकता है। तो आप लोग सिंसियरली अभी जो आपको टास्क मिला है पढ़ाई करना है, ठीक है, बहुत प्रेशर लेके नहीं, बहुत इन्जॉय करते हुए पढ़िए, ये सोच के पढ़िए कि हमें कुछ सीखना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ लोड मत लीजिए, जो कि अननेसेसरी लोग देते भी हैं, ठीक है, तो पढ़ाई को लोड मत बनाइए, क्रिएटिव रहिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। और तमाम बातें हैं जो हम लोग धीरे धीरे करेंगे एक साथ में, ठीक है। तब तक मज़े करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।